भारत माता की, इनकलाब, वंदे। दोस्तों, अभी 3-4 महीने बाद चुनाव है और ये चुनाव आम आदमी पार्टी को दोबारा जिताने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। आप लोगों ने 10 साल पहले हमें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। इन 10 सालों में हम लोगों ने खूब ईमानदारी के साथ काम किए हैं और दिल्ली में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो शायद 75 साल में भारत में किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने किसी भी नेता ने नहीं किए। दूसरी पार्टियां ये काम कर नहीं सकती या उनकी नीयत नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि दिल्ली में ये काम बंद होने चाहिए। क्योंकि अगर दिल्ली में जब से ये काम चालू हुए हैं, बाकी पूरे देश में इन पार्टियों को जनता फेस करनी मुश्किल होती जा रही है। जैसे दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, मुझे पूरा यकीन है आप लोग भूल गए होंगे वो दिन जब दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। 2014 की गर्मियां याद है, 2015 में मैं मुख्यमंत्री बना था, 2014 की गर्मियों के अंदर पूरी पूरी रात जून जुलाई अगस्त 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे और उस टाइम 5,500 मेगावाट की पीक डिमांड थी। 5,500 मेगावाट की पीक डिमांड में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। इस साल गर्मियों में 8,500 मेगावाट की पीक डिमांड थी दिल्ली में, एक भी पावर कट नहीं लगा दिल्ली के अंदर, 24 घंटे बिजली थी। पिछले 10 साल में दिल्ली के पूरे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने स्ट्रेंथन किया है। और आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, आप में से कई लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार होंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, फोन करके पूछ लेना कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। तो जब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो उत्तर प्रदेश वाले भी अपने नेताओं को कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं करते, हरियाणा वाले भी अपने नेताओं से पूछते हैं भाई तुम क्यों नहीं करते अगर दिल्ली में हो सकता है तो वो तो करते नहीं है। उन्होंने एक तरीका ढूंढा है, दिल्ली में इनकी सरकार खत्म करो, दिल्ली में इनके काम बंद करो। मुझे यकीन है आप लोगों को भूल गए होंगे, आप लोग 2013, 2012, 2011 हजारों रुपए के बिजली के बिल आया करते थे। जब पहला चुनाव मैं लड़ा था 2013 में, गली गली में घूमता था, जहां जाता था लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए का बिजली का बिल। बोले जी बिजली के, बगल में फोन करके पूछ लेना यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी से भी पूछ लेना वहां बिजली के बिल कितने आते हैं। तो वहां ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार के काम रोको, दिल्ली के काम बंद करना चाहते हैं, इसलिए इनको सत्ता चाहिए। इनको सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोके, मैंने आपका एक काम नहीं रुकने दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, जेल में डाल के इन्होंने काम रोके। अब मैं जेल से बाहर आ गया, आपके सारे रुके हुए काम करवाने शुरू कर दिए। पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां सड़कें टूटी हुई थी सड़कें बनवानी शुरू कर दी, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे थे सीवर का काम चालू करा दिया, जहां जहां पानी गंदा आ रहा था मैं खुद मॉनिटर करवा रहा हूं, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, जहां गंदा पानी आ रहा ठीक हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर, चिंता मत करो आप। सारे रुके हुए काम मैंने चालू करा दिए। अब इन्होंने एक ही प्लान बनाया है, किसी भी तरह से फरवरी के महीने में दिल्ली पे कब्जा करो और दिल्ली को भी यूपी जैसा बना दो, दिल्ली को भी हरियाणा जैसा बना दो, दिल्ली को भी गुजरात, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों जैसा बना दो और सारे काम खत्म कर दो। बड़ी मुश्किल से मैंने और आप लोगों ने मिलकर, 2-3 करोड़ लोग अपने दिल्ली के हैं, हमने मिलकर ये दिल्ली को सुधारा है। ये दिल्ली के काम बचाने का जो पूरे देश में एक उम्मीद बनी है, हमने दिल्ली में अच्छे काम करे, उसकी आवाज पहुंची पंजाब, पंजाब में लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट दे दी। अब उसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है दिल्ली के कामों की। गुजरात पहुंच गई आवाज, हमारे 5 एमएलए आ गए,
गोवा पहुंच गई आवाज, हमारे दो एमएलए आ गए, पूरे देश में गूंज रही आवाज, तो इनको किसी भी हालत में दिल्ली के काम बंद करने हैं। मुझे आपका सहयोग चाहिए, मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं अकेला इनसे लड़ तो सकता हूं लेकिन आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूं। हैं जी, कश्मीर में भी एक एमएलए आ गया हमारा, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ भी हूं आप लोगों की वजह से हूं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब हम लोग एक पदयात्रा पे निकलेंगे। एक और चीज है, पिछले कुछ महीनों के अंदर अनाप शनाप पानी के बिल आ गए हैं कि नहीं है, बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। जितने गलत पानी के बिल आपके आए हैं किसी को भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा सरकार बना दो, एक महीने के अंदर सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। मैंने 2014 में भी बोला था आप लोगों को, गली गली में गया था, जब आप लोग अपने पानी के और बिजली के बिल मेरे को 2014 में दिखाते थे, मैं कहता था मेरी सरकार बना दो, आपके पुराने बिल माफ कर दूंगा और भविष्य में बिजली पानी जीरो कर दूंगा। करा था कि नहीं करा था? उस टाइम भी पुराने बिल माफ कर दिए थे, अब भी सारे पुराने बिल माफ करके आपका पानी का बिल जीरो कर दूंगा, तो भरने की जरूरत नहीं है जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हैं। अब हम पदयात्रा पे चलेंगे, आप लोग थोड़ा पीछे पीछे चलना, मैं जनता से मिलता हुआ चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।